हम यहाँ त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंधों को देखेंगे इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ए सी बी ले रहे हैं तो जब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी इसमें कोण सी जो है वो समकोण है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज एसीबी में हम जब पाइथागोरस प्रमेय ले तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग जब हम न्यून कोण थीटा ले रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब हुई एसी और आधार हुआ बी तो इस प्रकार हमारा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या होगा कर्ण का वर्ग मतलब ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ए का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि बी का वर्ग अब यदि इस समीकरण में हम ए बी वर्ग से पूरे में भाग दे दें तो फिर देखेंगे क्या होता है इसके लिए हम लिख लें यहां पर कि उपरोक्त समीकरण में हम क्या कर रहे हैं उपरोक्त समीकरण में समीकरण को हम ए बी वर्ग से भाग देने पर चलिए कर कर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है ए बी का वर्ग है यहाँ पर फिर से हमने लिखा ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग तो पूरे समीकरण में हमने ए बी वर्ग से भाग दे दिया इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी बटे ए बी पूरे का वर्ग घातांक के नियम से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं बिल्कुल उसी प्रकार ए सी बटे ए बी पूरे का वर्ग, बी सी बटे ए बी पूरे का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं तो हमें प्राप्त हुआ था ए बी बटे ए बी पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटा ए बी पूरे का वर्ग धन बी सी बटा ए बी पूरे का ए बी बटा ए बी है यानी कि हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है एक उसका वर्ग इस प्रकार अभी लिख देते हैं हम यहाँ पर आप देखें ए सी बटा ए बी यानी कि ये भुजा और बटे हम कह रहे हैं कर्ण भुजा। जब हम बटे कर्ण कह रहे हैं तो आप ये किसका मान होगा जब आप लम्ब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो वो होता है त्रिकोण अनुपात साइन थीटा तो आप ए सी बटा ए बी के स्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा ये हो गया साइन थीटा का वर्ग बिल्कुल इसी प्रकार जब हम बी सी को देखते हैं तो ये है आधार और ए बी पुनः कर्ण तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं क्योंकि ये आधार बटे कर्ण है तो ये लिख सकते हैं हम इसे थीटा इन भुजाओं के अनुपात को थीटा के नाम से जाना जाता है इसे पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है ये हुआ एक इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये हमें एक त्रिकोण मिति अनुपातों के बीच में संबंध प्राप्त हुआ इस त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध को आप थीटा के सभी मानों के लिए शून्य से लेकर शून्य डिग्री से लेकर नब्बे डिग्री तक इस त्रिकोण अनुपात के संबंध को आप थीटा के सभी मानों के लिए जीरो डिग्री से लेकर नाइन्टी डिग्री तक के सभी मानों के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं आप इसमें थीटा का मान जीरो डिग्री रखिए फिर थर्टी रख सकते हैं फोर्टी फाइव रख सकते हैं इस तरीके से आप पाएंगे कि सभी मानों के लिए आपको यह संबंध जो है वो सत्य दिखाई देगा सत्य है चलिए एक दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध ढूंढते हैं इसके लिए पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय से जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था उसको देखते हैं हमने देखा था ए बी का वर्ग बराबर क्योंकि ए बी कर्ण है यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब ए सी का वर्ग और आधार बी सी का वर्ग यहाँ हम जो बात कर रहे हैं बार बार हम इसे दिखा भी सकते हैं ये हमारा कर्ण है ये लंब और आधार अभी हम ये जो लंब और आधार है यह कोण थीटा के सापेक्ष बता रहे हैं। अब यदि इस समीकरण में हम बीसी वर्ग से भाग दे उपरोक्त समीकरण में बीसी वर्ग से भाग देने पर देखते हैं ए बी का वर्ग जो है बटे बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग और बी सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग यहाँ देखिए इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ए बी बटा बी सी पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटा बी सी पूरे का वर्ग और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं बी सी बटा बी सी पूरे का वर्ग इसे लिखा जा सकता है इसे पुनः हल करने पर हमें ए बी बटा बी सी आप देखिए ए बी यानि कि कर्ण बटा बी सी कर्ण बटे आधार त्रिकोण मिति अनुपात में जब कर्ण भुजा और आधार भुजा का अनुपात इस प्रकार लें कि कर्ण अंश में हो और आधार हर में तो वो होता है सेक थीटा तो इसे लिखा जा सकता है सेक थीटा पूरे का वर्ग बिल्कुल इसी प्रकार अब हम ए सी बटे बी सी की बात करें तो ए सी है लम और बी सी जो है वो आधार है यानि कि हम बात कर रहे हैं लम बटे आधार तो वो हुआ टेन थीटा टेन थीटा पूरे का वर्ग धन और ये बी सी बटे बी सी है इसलिए इसे लिखा जा सकता है एक का वर्ग चलिए आगे देखते हैं तो हमें प्राप्त हुआ है सेक थीटा पूरे का वर्ग बराबर टेन थीटा पूरे का वर्ग धन एक इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायेर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन या ये लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज एकवल टू सेक स्क्वायर थीटा तो इस प्रकार ये दूसरा संबंध हमें प्राप्त हुआ अब थीटा के अलग अलग मानों के लिए यदि हम इस संबंध की बात करें तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर नब्बे अंश के लिए सेक थीटा और टेन थीटा जो होता है वह अपरिभाषित है थीटा के नब्बे अंश के मान के लिए तो यह जो त्रिकोणमिति अनुपात के बीच हमें संबंध प्राप्त हुआ है यह थीटा के किन मानों के लिए सत्य होगा यह शून्य से लेकर नब्बे से कम नब्बे अंश से कम सभी मानों के लिए यह जो त्रिकोण अनुपात में संबंध हमें मिला है यह सत्य होगा चलिए पुनः अगला संबंध ढूंढते हैं फिर से वही प्रक्रिया पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो हमें मिलेगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग अब हम इस समीकरण में सी वर्ग से भाग देंगे रोक्त समीकरण में एसी वर्ग से भाग देने पर देखते हैं क्या मिलता है एबी का वर्ग बटे एसी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग बटे एसी का वर्ग धन बीसी का वर्ग बटे एसी का वर्ग हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं घातांक के नियम से ए बी बटा ए सी पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटा ए सी पूरे का वर्ग धन बी सी बटा ए सी पूरे का वर्ग ए बी बटा ए सी चित्र में देखते हैं ए बी यानी कि लम ए बी यानी कि कर्ण और ए सी यानी कि लंब तो कर्ण बटे लंब जब कर्ण भुजा का अनुपात हम भुजा से ले रहे हैं जबकि कर्ण अंश में हो और लंब हर में तब आप ये किसे किस त्रिकोणमिति अनुपात के ले लेंगे ये हो जाएगा कोसेक कोसेक थीटा इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा का वर्ग बिल्कुल इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे ए सी बट ए सी है तो ये लिखा जाएगा एक का वर्ग और बी सी बट ए सी की जब आप बात करें तो बी सी है आधार और ए सी है लंब यानी कि हम आधार बटे लंब ले रहे हैं तो ये हुआ कौट थीटा कोट थीटा का वर्ग चलिए आगे देखते हैं अब हम यहां पर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर एक धन कॉट स्क्वायर थीटा ये एक अन्य हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध प्राप्त हुआ है और ये जो है ये थीटा के कौन से मानों के लिए सब सत्य होता है ये देख लें तो आप देख जानते हैं कि कॉट जो है वो थीटा बराबर शून्य अंश के लिए कोसेक थीटा और कौट थीटा का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है इसलिए यह जो त्रिकोण अनुपात में संबंध प्राप्त हुआ है यह थीटा के लिए शून्य से शून्य अंश से बड़े सभी मानों के लिए और नब्बे अंश और उसके उससे छोटे सभी मानों के लिए यह सत्य होता है